हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस मॉम्स में, जहां हम आपको देते हैं महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हुई ढेर सारी जरूरी जानकारियां। दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी अंधेरे से डरता है? लाइट बंद हो जाए या चली जाए तो रोने और चिल्लाने लगता है, या फिर उसे घबराहट और घुटन होने लगती है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर बच्चे को डर लगता है तो इसकी क्या वजह हो सकती है, कैसे आप बच्चे के इस डर को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ये डर कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है कि बच्चों को अंधेरे से अगर डर लगता है तो क्या करें। दोस्तों, बच्चों के इस डर का कारण हम खुद होते हैं, क्योंकि जब बच्चा शैतानी करता है, पढ़ता नहीं है, खाना नहीं खाता, तो हम उसे डराते हैं कि तुम्हें हम अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे, वहाँ भूत है, बाबा जी पकड़ ले जाएंगे, चूहे हैं वो खा जाएंगे, भूत है। और जब हम ऐसा बोलकर बच्चे को अंधेरे में बंद करते हैं या डराते हैं, तो बच्चों को ये बातें याद रह जाती हैं और डर बढ़ जाता है। और जब ये डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये फोबिया में बदल जाता है, जिसे हम निक्टोफोबिया कहते हैं। और फिर बच्चे अंधेरे के नाम से इतना डरने लगते हैं कि उन्हें पसीना आना, घबराहट होना, बेहोश हो जाना, ये सब होने लगता है। इसलिए बच्चे के मन में ऐसा कोई डर पैदा ना करें। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा, शैतानी कर रहा है, तो आप कोई और तरीका ढूंढ लीजिए, लेकिन ऐसे डरा कर काम करवाना गलत है। अगर बच्चे में ये डर बैठ गया है तो कैसे उसके डर को दूर करना है, आइए जानते हैं। पहला है, ट्राई टू नो द रीजन ऑफ फियर। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि बच्चा अंधेरे से आखिर डरता क्यों है। हो सकता है आपने उसे खाना या होमवर्क करने के लिए बार बार अंधेरे से डराया हो कि डार्क रूम में बंद कर देंगे, वहाँ भूत है, तो बच्चे के मन में वो डर बैठ गया हो। या फिर उसके साथ अंधेरे में कुछ गलत हुआ हो जो वो बता नहीं रहा है, तो पहले वजह जानिए, तभी आप उसकी हेल्प कर पाएंगे। दूसरा है, मेक देम फील सिक्योर। फिर उन्हें सेफ फील कराइए कि आप उनके साथ हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है और आपको अंधेरे में कोई हर्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आप बच्चे को सेफ फील नहीं कराएंगे और बच्चा सेफ फील नहीं करेगा कि आप उसके साथ हैं, तब तक ना ही वो कुछ आपसे शेयर कर पाएगा और ना ही उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग आ पाएगी। तीसरा है, प्ले विद देम इन द डार्क। उसके साथ अंधेरे में खेलिए, जैसे अक्सर हम लाइट ऑफ करके एक दूसरे के साथ फ्लैश लाइट में शैडोज बनाते हैं, वैसे खेलिए, तो उसे थोड़ा थोड़ा अंधेरे में रहने की आदत होने लगेगी। या आंखों में पट्टी बांधकर पकड़ने वाला गेम खेलिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है उसका डर भगाने का। चौथा है, गिव देम लाइव एग्जांपल्स। अगर बच्चा बहुत ज्यादा डरता है और नहीं समझ रहा आपकी बात को कि अंधेरे में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भूत नहीं होता, तो आप उसे एग्जांपल्स से समझाइए। जैसे आप में से कोई अंधेरे में बैठ जाइए और उसे दिखाइए कि देखो कुछ नहीं हो रहा है, या आप रात में अंधेरे में कहीं छत पर लेके जाइए बच्चे को और थोड़ी देर वहीं उसके साथ रहिए, तो ऐसे भी बच्चे का धीरे धीरे डर कम होने लगेगा। पांचवा है, यूज डिम लाइट व्हाइल स्लीपिंग। कई बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं कि ये एक फोबिया बन जाता है और अंधेरा होते ही उन्हें घबराहट और घुटन महसूस होने लगती है, तो एकदम से उसे सिखाने की कोशिश ना करिए और पूरा अंधेरा करने की जगह हल्की रोशनी का इस्तेमाल करिए। खासकर जब वो सोए तो नाइट बल्ब जला दीजिए, ताकि बिल्कुल अंधेरा ना हो जाए और उसे भी दिक्कत ना हो। तो ये पांच स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप बच्चे के मन से डर निकाल सकते हैं। बच्चों के मन में कोई भी डर जन्म नहीं लेना चाहिए। मैं फिर यही कहूंगी कि उसे डरा कर कोई भी काम मत करवाएं। कोई भूत नहीं होता है, ये उसे समझाइए। आपको उसे स्ट्रांग बनाना है, कमजोर नहीं। लेकिन अगर आप उसे डरा के काम करवाएंगे तो वो स्ट्रांग कभी नहीं बन पाएगा। डर ना बैठा के आप बच्चे को ऐसा काम करवाइए कि उसे वो काम करने में अच्छा लगे, क्योंकि अभी वो छोटे हैं और उनके आगे उनकी पूरी लाइफ पड़ी है। अगर आज वो एक छोटे से अंधेरे से डरते हैं, तो आप सोचिए बड़े होकर वो अलग रूम में कैसे सोएगा, कैसे स्टेज पर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि वहाँ भी अंधेरा होता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि आपका बच्चा बहुत स्ट्रांग बने। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपकी आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।